हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी चैनल मैथमेटिक्स बायरोग में आपका स्वागत है। एक्चुअली मैं हूं रघुनाथ और आपको इस वीडियो में आपको कराने जाऊंगा कि आपको क्लास 10th का ये क्वेश्चन है और 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि साइन अल्फा, ठीक है, और कॉस अल्फा ये जो है ये इस समीकरण का मूल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू है, ठीक है, यहाँ पे क्यू एक्स, ठीक है, तो क्यू एक्स प्लस में आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर होगा किसके बराबर होगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए ये अगर बराबर होगा, ये अल्फा मूल है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कि साइन अल्फा इसमें पुट करेंगे तो ये पुट होना चाहिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना पी हो जाएगा, और कॉस साइन स्क्वायर अल्फा में हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस में क्यू होगा और यहाँ पे एक्स की जगह पे साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो गया और प्लस में आर हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0। अब ये हो गया इस तरह से समीकरण। और फिर यहाँ पे कॉस ये जो होगा फिर से ये कॉस स्क्वायर कॉस ये पी होगा और कॉस स्क्वायर बीटा होगा, ठीक है, जो कि मैं इस तरीके का क्वेश्चन मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मॉडल सेट है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लास 10th का मॉडल सेट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर ये होगा ये क्यू इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक, कॉस बीटा, और प्लस में हो जाएगा आर इक्वल टू 0। आप देखिए ये जो दिए हैं समीकरण एक मान लीजिए और ये जो है ये भी समीकरण दो मान लीजिए, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इन दोनों समीकरण में देखिए तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इस साइड जो होगा आर एच एस 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। आ इसका पी स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे तो पी और साइन स्क्वायर अल्फा है और पी और कॉस स्क्वायर अल्फा है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा आपका दोस्तों, जो कि देखिए अब यह हो जाएगा पी होगा कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का भाई 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर क्यू होगा और यहाँ पे भी कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होगा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक, अब प्लस में 2r हो जाएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो अब इसको हम क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे, तब q का मान इस साइड से उस साइड जाएगा तो माइनस में 2r हो जाएगा और माइनस में p हो जाएगा। अब इसको भी स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, अब 2r का स्क्वायर करेंगे तो 2r का स्क्वायर और p का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा b ऑप्शन मैच करेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, b होगा, ठीक, पी स्क्वायर प्लस में 2 PR होगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि यदि समीकरण इतना, ठीक है, समीकरण इतना दिया हुआ है कि मूल दूसरे दूसरे का तिगुना है, एक मूल जो है दूसरे का तिगुना है, मान लीजिए कि एगो एक्स है तो एगो कितना है, एगो मतलब अल्फा बराबर एक्स है तो दूसरा क्या होगा बीटा बराबर, यानी कि तो अल्फा है तो एगो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 अल्फा हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है, एगो अल्फा है तो एगो बीटा बराबर 3 अल्फा है। तो अब यहाँ पे बी स्क्वायर अनुपात में कह रहा है कि ए सी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर अनुपात में ए सी इतना इक्वल टू क्या होगा, तब बी का मान निकालना पड़ेगा आपको। तब बी का मान निकालने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, माइनस में बी बट्टा ए के बराबर होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे अल्फा प्लस में यहाँ पे बीटा का मान क्या आया है तो 3 अल्फा आया है, तो ये 4 अल्फा हो जाएगा इक्वल टू माइनस में बी बटे ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया आप कि अल्फा 4 अल्फा बराबर आ गया कितना, तो माइनस में बी बटे ए आ गया, ठीक, तो अल्फा का मान कितना आएगा आपको दिखाना है क्या चीज, बीटा का मान निकालिए, तो बीटा का मान जो निकालिएगा तो ये माइनस में आएगा कितना 4 a अल्फा आएगा, ठीक है, तो बीटा का मान क्या आ गया, बीटा बराबर माइनस में 4 a अल्फा बट्टे, हाँ 4 a अल्फा इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ पे बीटा का मान हो गया तो ए सी का मान, तो यहाँ पे ए सी का मान ये होगा, देखिए अच्छा बीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसका ए सी स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये भी आप निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका इसका आंसर, तो इसका आपको आंसर देखिए तो आपको मैच करेगा कौन, तो आप 12 का ये सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 16:9 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 3 16 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका देखिएगा ए सी का मान निकालिएगा तो यहाँ पे √3 आएगा कहीं, तो इस तरीके से डिवाइड करिएगा तो इतना आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या ची, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में है, करे कि यदि एन सम प्राकृत संख्याओं का योग एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग का के गुना हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के योग के बराबर है। तो अब यहाँ पे देखिए कि सम संख्या होगा तो कितना आएगा, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो इसका जो एनवर्ट टर्म जो लिखेंगे, एनवर्ट टर्म का जोड़, तो यहाँ पे क्या होगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ठीक है, और फिर यहाँ पे 2a, तो 2a मतलब 4a, 4 हो जाएगा, और प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस में 1 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n n विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा, तो n से एगो n कट जाता है, तो यहाँ पे अब 4 प्लस में क्या बचेगा, तो यहाँ पे ये 2d आएगा, 2, तो यहाँ पे d के जगह पे 2 आएगा, और यहाँ पे 2n माइनस में 2, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, बट्टे में 2 है, तो यहाँ पे 2n बच जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ का 2 आया यहाँ पे, और ये n n कट जाएगा। ठीक है, ये n जो है इससे कट दिए एगो n, तो बच गया इतना, आप फिर से मैं लिख रहा हूँ, तो ये बचेगा कितना, 4 प्लस में 2n और माइनस में 2 इक्वल टू 2n। ठीक है, इतना बचेगा, और 2n 2n कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा 2। तो इसमें आपको करे कि के गुना है, के गुना हो जाता है, के गुना है, तो के का मान कितना आएगा, तो आपको यहाँ पे आ रहा है कितना, 2n, यहाँ पे एक सेकेंड, आपको 2n अब बराबर तो कट ही गया था, आपको यहाँ पे बचा था क्या चीज, तो प्लस में 2 आएगा, और प्लस में 2n, और यहाँ पे 2n आया था। ठीक, तो ये आ गया इतना, तो अब 2n 2n तक आपको कट जाता है, और यहाँ पे k आउट ले लीजिए, तो यहाँ पे हो गया, k का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 बच रहा है, तो यहाँ पे दोगुना हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका क्या आना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा आपका c आएगा। ठीक है, k प्लस में 1, n प्लस में 1 बटा n आएगा, इस टाइप का आएगा। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा, समांतर श्रेणी में कह रहा है कि प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 1 और 11 है। ठीक है, समांतर श्रेणी में देख रहे हैं, प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 1 और 11 है, तो इसके पदों का, इसके पदों का योग 30 हो। ठीक है, इसके पद, यदि इनके पदों का योग इतना है, ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी होगी, तो अब यहाँ पे एस एन बराबर क्या दिया है, तो 30 दिया है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, तो एक है प्रथम पद और अंतिम पद 11 दिया है, तो आप एस एन का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि n बाई टू होता है, और यहाँ पे a प्लस में l होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू, और यहाँ पे a का मान 1 है, और प्लस में 11 है अंतिम पद l का मान, तो 11 एक 12 हो जाएगा, तो 12 हो गया, तो यहाँ पे देखिए अब, तो 60 बट्टा क्या हो जाएगा, 12, और यहाँ पे आएगा कितना, n आएगा, तो n का मान 12 × 5 = 60, 5 आ गया, इसीलिए यहाँ पे n इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में है कि ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इस समीकरण को और ये समीकरण देखिए इतना, और इन समीकरण में संपाती रेखाओं, संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता हो, तो ए और बी का मान कौन सा संबंध हो, तो संपाती मतलब होता है क्या चीज, कि अनगिनत हल हो। ठीक है, संपाती मतलब अनगिनत हल हो, तो यानी कि ए बट्टा 5 बट्टा जो है वो ए प्लस बी, फिर यहाँ पे बराबर होगा कि माइनस में 3 बट्टा, ये माइनस में 3 है, तो माइनस में यहाँ पे भी है ए प्लस बी माइनस में 3, और फिर यहाँ पे ये बराबर होगा ये 7/4a प्लस में बी। अब ये तीनों कंडीशन से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपकी तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, तो आप ऐसा ही कर लीजिए, 5/ क्या आया था, 5/a प्लस में b आया था, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आया है 4, मतलब यहाँ पे इसका दिया 7, तो 7/ क्या आएगा, 7/ आ जाएगा 4a प्लस में b, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे
इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 7a प्लस में आएगा 7b इक्वल टू यहाँ पे 5 चौका 20 आएगा, 20a प्लस में 5b आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे b वाला को इस साइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे 2b बचेगा, ठीक है, 2b इस साइड आएगा कितना, तो 13a बचेगा। तो यहाँ पे a बट्टा b इतना, b बराबर क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिए तो b का मान आ गया कितना, तो 13 a बट्टा 2 आएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे तब तक कितना रहने देते हैं, अब फिर से यहाँ पे एक और कंडीशन निकालना है। तो यहाँ पे ये भी इससे साबित हो जाता है कि अनुपात में लगा देते तो भी, क्योंकि यहाँ पे a बट्टा अगर b निकालेंगे तो हमको निकल जाएगा कितना, a बट्टा b निकालेंगे तो 2 बट्टा आएगा कितना, 13 आएगा, ठीक है। तो यह a का मान हो गया 2 और b का मान हो जाएगा 13। तो ऑप्शन जो मैच कर रहा है ये भी हो सकता है, और या तो यही चीज आपका ये क्वेश्चन में आपको मैच कर रहा है जो कि ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है, देख रहे हैं, यहाँ देखिए बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कि कह रहा है कि 5θ और 4θ न्यून कोण है, तो sin 5θ और cos 4θ बराबर है दोनों, ठीक है, और साइन कॉस बराबर तभी होता है जब यहाँ पे 45 डिग्री पे होता है, और या तो क्या होता है कि मतलब साइन कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा यानी कि 90 डिग्री में से थीटा घटता है तब, तो यहाँ पे इसका मतलब साइन 5θ और प्लस में 4θ बराबर क्या होगा, 1 आएगा, सॉरी 1 नहीं, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन और कॉस में बराबर होता है तो यहाँ पे जो थीटा रहेगा और यहाँ पे फाई रहेगा तो दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री में बन जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि हिंदी में बोलते हैं हम उसको पूरक, ठीक है, पूरक एंगल में बोलते हैं। तो इस तरह से हमको थीटा का मान 5, 4, 9, 9θ बराबर, ठीक है, 9θ बराबर आ गया 90, तो इसलिए थीटा का मान कितना आ गया, तो 10 डिग्री आएगा, ठीक है, 10 डिग्री आ गया। तो अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है क्या चीज, इसमें हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। तो हमें यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले 2 है और साइन थीटा है, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, तो 3 है, √3, और यहाँ पे tan 3θ है, ठीक। तो यहाँ पे तो कितना आएगा, 3θ है तो 30 डिग्री आ गया, और यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन 10 डिग्री आएगा, तो 2sin आएगा 10 डिग्री, और यहाँ पे आएगा कितना, माइनस में 3√3, और यह आ गया कितना, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो √3 आएगा, ठीक है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, अब यहाँ पे देखिए फिर से कि 2 बचा है और साइन बचेगा कितना, थीटा, और प्लस माइनस में 3 बचेगा, ठीक है, माइनस में 3 बचेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या करा है, तो इसका मान हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं इसका मान निकाले, ठीक। तो यहाँ पे 2 है और साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा का मान अधिक से अधिक 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री है तो उसका वैल्यू क्या होगा, अगर 0 डिग्री होता तो 0 हो जाता, तो अप्रोक्सीमेट में 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो भी होगा, मान लीजिए इसका साइन का वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर हो जाएगा तो कितना आएगा, ये निगेटिव में आएगा, 2 आएगा, और माइनस में 3 है तो ये आएगा माइनस में 1 के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1 आ सकता है, और या तो आपका यह 3 है, यहाँ पे 3θ होना चाहिए था, ठीक है, 3θ होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये 1/2 आएगा, तो ये 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, जब यहाँ पे 3θ होगा। तो यहाँ पे समझ गया क्या होगा, कि यहाँ पे जो है 3θ होना जरूरी है, नहीं होगा तो यहाँ पे 0 नहीं हो पाएगा, कोनो आंसर भी नहीं मैच कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री का मान नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, tan 3θ मतलब 3x इक्वल टू sin 45 और cos 45, और sin 45 का मान मानिए tan है 3x इक्वल टू sin 45 का मान होता है कितना, 1/√2, और फिर यहाँ पे cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इसका सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और प्लस में क्या दिया है, और प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है कि sin 30 डिग्री, तो 1/2 इसका भी होता है, तो बगल में 1/2 इसको भी जोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये 1/2 और 1/2, ठीक है, 1/2 और फिर यहाँ पे
एक बट्टा दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो बट्टा आएगा दो यानी कि वन। तो टेन कितना डिग्री का, मतलब टेन थ्री एक्स वैल्यू हो गया वन, ठीक है। तो टेन तीन एक्स बराबर हो गया कितना वन, तो यहाँ पे टेन टेन जो होगा थ्री एक्स इक्वल टू वन, और टेन होता है कितना डिग्री पे, तो टेन पैंतालीस पैंतालीस पे होता है, ठीक है, पैंतालीस डिग्री पे होता है। तो पैंतालीस डिग्री पे क्या होगा, थीटा का मान पूछ रहा था, तो एक्स का मान, तो ये तीन एक्स बराबर पैंतालीस के बराबर आ गया, तो यहाँ पे तीन एक्स पैंतालीस, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो तीन से हम यहाँ पे भाग कर देंगे, पैंतालीस बट्टा क्या लिखेंगे तीन लिखेंगे, यानी पंद्रह आएगा, तो ये पंद्रह डिग्री आ गया। तो हमें एक्स का मान पूछ रहा था, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अठारह नंबर में, इसमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी सी हो, ठीक है, ए बी सी करके दिया है, तो एक बढ़ता हुआ समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो ए बी सी जो है एक बढ़ता हुआ समांतर श्रेणी में उसका कोण है, बढ़ता हुआ समांतर श्रेणी बनाते हैं, तो साइन बी का मान क्या होगा, साइन बी बराबर क्या होगा, तो आप साइन बी बराबर जो निकालिएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे बढ़ता हुआ बोला है ना, तो यहाँ पे एक ऐसा ही त्रिभुज बनाइएगा कि यहाँ पे ए बिंदु यहाँ पे लीजिए, तो बी यहाँ पे सॉरी बी यहाँ पे लीजिए तो सी यहाँ पे लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पे आएगा कितना 90 डिग्री, ठीक, तो इस तरह से मिल गया। अब यहाँ पे बी डिग्री बोल साइन बी आ गया, तो साइन बी हो गया तो पी बटा क्या होता है एच होता है, तो सबसे पहले इतना आ गया, तो आप यहाँ पे इतना निकाल लीजिए कि साइन बी ये 60 डिग्री आ गया, और साइन 60 डिग्री का मान कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान वन बाई टू आएगा, सॉरी रूट थ्री बाई टू आएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा, तो डी आएगा, फिर इसका ऑप्शन डी आएगा, ठीक, तो यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कर रहा है क्या चीज, ए बराबर दिया है क्या चीज, साइन थीटा, बी बराबर दिया है बी ए साइन थीटा दिया है, और बी बराबर दिया है सॉरी वाई बराबर बी टेन थीटा, तो इसका मान हमको निकालना है कि ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कि ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, अब यहाँ पे ए स्क्वायर ऊपर में लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे एक्स की जगह पे, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम, तो ए स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, ठीक है, अब फिर यहाँ पे प्लस में लिखेंगे सॉरी बराबर में होगा, ठीक है, बराबर में होगा क्या चीज, तो बी स्क्वायर ऊपर में रहेगा, और नीचे में आएगा कितना वाई स्क्वायर का मान, तो बी स्क्वायर, और यहाँ पे टेन थीटा बचेगा, तो टेन बी स्क्वायर कट जाता है, ए स्क्वायर कट जाता है, तो ये बराबर हो गया क्या चीज़, वो नीचे में साइन थीटा है और नीचे नीचे में टेन थीटा है, तो ऊपर वाला तो वन आ गया, नीचे वाला वन आ गया, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर टेन थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो टेन थीटा हो जाता है, ठीक, तो यहाँ पे हमको निकालना है, इसको देखिए अब इसका आंसर क्या मैच कर रहा है, आंसर इसमें दिया है आपका वन, इसका मिस्टेक हो गया है इसमें, कहीं फोटो नहीं बढ़िया से नहीं आ पाया है, तो यहाँ पे देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर आया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा आया है ना, टेन वो भी टेन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर तो थीटा ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों को काट देंगे तो बचेगा वन, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो यहाँ पे थीटा का मान इसका वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे इतना बराबर इतना हो गया, तो आपको निकालना है, इतना ही आ गया, तो ये हो गया हमारा कंडीशन, यही होगा, यहीं तक होना चाहिए, और इससे आगे जो भी पूछा हो तो मैं इतना ही बताऊंगा। फिर यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा लिखा है, कितना लिखा है कॉस थीटा कि तीन बट्टा पाँच दिया है, ठीक है, तो कॉसेक थीटा का मान पूछा है, ठीक, तो कॉसेक थीटा का मान कितना आएगा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यहाँ पे तीन बट्टा पाँच दिया है, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा कितना, साइन थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा चार बट्टा पाँच के बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे कॉसेक का पूछेगा, तो कॉसेक का इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा, तो ये हो जाएगा पाँच बट्टे चार, तो ऑप्शन पाँच बट्टे चार जो है ये ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए,
इससे भी ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपको बताया था कि 20 तक ही जाएंगे, तो आपको मैं इससे आगे ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया आपको, 21 तक मैं आपको स्टॉप करूँगा, ठीक है। आगे आगे का सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा।